हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड होम गार्ड में जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। नए बदलाव के साथ इस बार भर्ती होंगी। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं इस बार होम गार्ड भर्ती में, पूरी जानकारी जानेंगे। शारीरिक मापदंड में क्या की एक्टिविटी होती है, दक्षता परीक्षा में क्या क्या होती है, लिखित परीक्षा इस बार इमला के स्थान पर क्या करवाया जाएगा, पूरी जानकारी जानेंगे। साथ ही आयु सीमा क्या रखी गई है अब करंट में, वो जानेंगे। साथ ही दस्तावेज जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए या फिर डीवी के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जो कि अभी से आप बना लें। और यदि अभी 12वीं पास आप पास आउट हैं और होम गार्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। योग्यता क्या रखी गई है, प्रीवियस क्या थी, इस बार क्या योग्यता हो गई है, पूरी जानकारी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार को आपके पास विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। ये प्रीवियस विज्ञप्ति है, इसी तरह से विज्ञप्ति देखने को मिलेगी और ये 10 डिस्ट्रिक्ट में जल्द ही आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे कितने पद रखे जाएंगे और क्या क्या चेंजेस किया गया है। होम गार्ड की बात करते हैं तो इसमें जो चेंजेस हुआ है, क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10वीं पास कंपलसरी किया है। प्रीवियस की बात करते हैं तो पहले 5वीं पास और 8वीं पास। 5वीं पास जो था वह पर्वतीय क्षेत्र के लिए था और 8वीं पास ये मैदानी क्षेत्र के लिए था, ठीक है। अब की स्थिति क्या है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, 10वीं पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की बात कर दूं तो एज लिमिट प्रीवियस में जो चल रहा था वह 50 प्लस अधिकतम था और न्यूनतम 18 प्लस थी, ठीक है। और वर्तमान टाइम में क्या है, 18 प्लस होना चाहिए, प्लस में वह 40 साल मिनिमम मैक्सिमम एज की होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन इसका जो आएगा होम गार्ड का, ये आएगा आपका जुलाई माह में। जैसे कि आपने सीएम का भाषण भी सुना होगा, जल्द ही इसकी भर्ती आने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे 330 पदों, जो 330 पोस्ट हैं, इन पर कार्य किया जाएगा। 330 पोस्ट भरे जाएंगे, सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स के भरे जाएंगे, उसके बाद मेल कैंडिडेट्स की भी जल्द भर्ती आएंगी, ठीक है। कुल मिला के अभी जो होम गार्ड के पद हैं वह 545 हैं, जिसमें से कार्यरत हैं 215 जो ये कार्यरत हैं, ये हैं दून में, हरिद्वार में और नैनीताल में। कहाँ पे? नैनीताल में, ठीक है। इन तीन ज़िलों में हैं, तीन ज़िलों में ऑलरेडी महिलाओं की 215 पदों पर ये पोस्टेड हैं। अब 330 पद जो हैं यह 10 डिस्ट्रिक्ट में भरे जाएंगी, ठीक है। 10 डिस्ट्रिक्ट इसमें कौन से होंगी, वो वाले नहीं होंगे जो मैंने अभी बताया आपको, देहरादून था, हरिद्वार था, नैनीताल, इन ज़िलों में 215 महिलाएं अभी कार्यरत हैं तो यहाँ पे नहीं होंगी। 10 डिस्ट्रिक्ट में ये भर्तियाँ होंगी, ठीक है। सैलरीज की बात करूँ तो सैलरी मेन है इसमें, तो सैलरी इसमें भी आपको पुलिस कांस्टेबल की तरह ही मिलता है, 25,000 प्लस, ठीक है। 25,000 प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्ज़ाम इसकी लिए पहले जो होता था वो इमला होता था, जैसे कि आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा और पहले भी आपने दिया होगा। इमला आपसे श्रुति लेख करवाया जाएगा, जैसे श्रुति लेख भी कहते हैं इस इमला को। इस बार इसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन का एक सेट होगा, जैसे कि आप UKSSC का पेपर दिया होगा, आपने UKPSC का पेपर दिया होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, पर इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन जो होगा वह 1 मार्क्स का होगा, टोटल जो इसका मार्क्स पूर्णांक होगा, पूर्णांक जो है उसका 50 का होगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर रहेंगी शारीरिक मापदंड और अर्हताएँ क्या क्या रहेंगी, इसकी बारे में पूरी जानकारी आप जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का दिखेगा, जैसे कि इसमें 5वीं पास था, इस बार चेंज किया गया, 8वीं पास कर दिया गया है।
एज की गणना यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2021 में ये विज्ञप्ति निकली थी और इस बार क्या हो जाएगा 1/7 से आपकी काउंटिंग होंगी 2023 से, ठीक है। 18 to 14 कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नया रूल लाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। साक्षर योग्यता मैंने बता दी है कि इसके लिए आपको 10th पास कंपलसरी कर दिया गया है। 10th पास है तभी आप होम गार्ड के पद के लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 to 40 तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे कहर्ता पुरुष के लिए ये जानते हैं तो सीनी का फुलाव एक बिना फुलाए 76.5 होना चाहिए, 76.5 यहाँ पे होना चाहिए और 78.8 सेंटीमीटर यहाँ पे अन्य अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए 76.5 है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं 162.6 सेंटीमीटर होना चाहिए और 160 अनुसूचित जनजाति के लिए होना चाहिए। अन्य अभ्यर्थी के लिए 167.7 सेंटीमीटर। सीना फुलाने पर 81.15 होना चाहिए और जो छाती का एक्सपेंशन होना चाहिए फैलाव होना चाहिए वह 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप होमगार्ड बनना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी में जुट जाएं और आपको दौड़ यहां पे लगानी है, साथ ही चेस्ट वर्कआउट आप करें, पुशअप मारें और सिटअप करें, स्क्वाट्स लगाएं। 81.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए, 83.8 सेंटीमीटर अन्य अभ्यर्थी के लिए है, ठीक है। शारीरिक मापदंड की बात करें यदि आप शारीरिक मापतोल में असफल अभ्यर्थियों को उस स्तर से बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप इस सिलेक्शन से या इस स्तर से पास आउट नहीं होते हैं तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं जाना दिया जाएगा। दौड़ की बात करते हैं तो दौड़ यहाँ पर 1500 मीटर है, इसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है। क्वालिफाइंग इसमें 5 मिनट में यदि कर देते हैं तो आपको 10 अंक मिलते हैं, अधिकतम 7 मिनट में करते हैं तो आपको 5 अंक मिलते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी करोगे आपको उतना मार्क्स मिलने वाला है। लंबी कूद भी यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है, न्यूनतम आपको यहाँ पे 12 फीट करना है। न्यूनतम मतलब आप 12 फीट करेंगे वो क्वालिफाइंग होगा, यदि आप उससे भी ऊपर टॉप कर देते हैं 15 फीट कर देते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाते हैं। हाईएस्ट जो इसका मार्क्स है वह 10 है। क्रिकेट बॉल थ्रू न्यूनतम 30 मीटर, पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 60 मीटर कर लेते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स और 30 कर देते हैं तो एक क्वालिफाइंग रहेगा और 5 अंक हमको मिलने वाले हैं। सारे दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में ली जाएंगी और किसी भी दक्षता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त न करने की दशा में अभ्यर्थी को उस स्तर पर बाहर कर दिया जाएगा। अब आती है लिखित परीक्षा। शारीरिक मापदंड प्लस शारीरिक दक्षता परीक्षा, दक्षता परीक्षा भी आपने पास कर ली सपोज डैट, ठीक है। उसके बाद आपको लिखित परीक्षा के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा कुछ टाइम बाद आपका होगा। लिखित परीक्षा में पहले श्रुति लेखन हुआ करता था, 200 शब्द आपको लिखवाए जाएंगे, उसके बाद उसमें त्रुटियां खोजी जाएंगी। ये त्रुटियां हैं तो आपके 2 अंक यहाँ पर मतलब मार्क्स काटे जाएंगे। पिछली बार इसका जो अंकन होता था 15 अंक निर्धारित होते थे, 2 अंक इसमें सुलेख की होते थे और श्रुति लेख की जांच के बाद यदि किसी प्रकार की गलती पाई जाती तो 1 अंक काटा जाता था। लेकिन इस बार का जो पैटर्न है उसमें 10वीं पास है, पिछली बार 5वीं पास थी योग्यता। इस बार 50 क्वेश्चन आपको 1-liner हो गए, यानी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें से ही आपको आंसर सिलेक्ट करना होगा। ये अच्छी बात करी गई है। उसके बाद देखिए सारे दक्षता के प्राप्तांक और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के योग के आधार पर अंतिम वरीयता सूची की जाएगी और वरीयता के आधार पर अंकों की श्रेष्ठता सूची से अभ्यर्थियों का चयन कराया जाएगा। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आपने कर ली, उसके प्राप्तांक उसमें आपने कितने मार्क्स गेन करे, ठीक है, कितने मार्क्स प्राप्त करे, प्लस में प्राप्तांक लिखित परीक्षा में, उसके आधार पर यहाँ पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। अभ्यर्थियों की वरीयता सूची चयन समिति के द्वारा वर्गाकार आरक्षण प्रावधान के अंतर्गत तैयार की जाएगी और प्लाटून के रिक्तियों के अनुसार तैयार की गई ज्येष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का
चयन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन किया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट आपके पास दो फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, नवीनतम शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित छाया प्रति जिसमें किसी एक में जन्मतिथि अंकित हो, ठीक है, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा हाई स्कूल से कम उत्तीर्ण होने की दशा में यहाँ पर नहीं है, ये तो बिल्कुल कट कर दीजिए। आयु प्रमाण पत्र चाहिए चाहिए, ठीक है। स्थानीय प्रमाण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, यदि नहीं बना है तो बना लीजिए क्योंकि जल्द ही भर्ती आने वाली है। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, स्वप्रमाणित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त। उसके बाद यदि आप EWS कैंडिडेट्स हैं तो आप ये बनवा लें, इसमें आपको छूट मिलेगी। सारे कहर्ता में छूट हेतु पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लें, ठीक है, फिर भर्ती आ जाएगी तो उसके बाद आपको समय भी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र वैध समयावधि ही संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र की निर्धारित वैधता समाप्त हो जाने पर जाति पर संबंधी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही चयन प्रमाण पत्र आप प्रधान से बना सकते हैं, सरपंच से बना सकते हैं। यदि आपका अभी तक जाति प्रमाण पत्र वैलिड नहीं है, या बना नहीं है, फिर वैध नहीं है अब, तो आप बना लीजिए, तभी आपको इसका आरक्षण का फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगला है, राजकीय अर्थशास्त्र के विभाग में सेवारत या फिर कार्यरत हैं जो कर्मचारी अपने आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी के प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी आपको संलग्न करनी होगी। अभ्यर्थी आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर आवेदित जो है कंपनी और प्लाटून का नेम व श्रेणी जाति अनिवार्य रूप से अंकित करें। जब भी आप इसको ऑफलाइन तरीके से भेजेंगे या सेंड करेंगे एड्रेस पर होमगार्ड के हेड ऑफिस में भेजेंगे अपने आवेदन पत्र को, तो उसमें आवेदित का कंपनी और प्लाटून का नाम आपको लिखना है, किस प्लाटून के लिए आवेदन कर रहे हैं और श्रेणी मतलब जाति कौन सी है वो भी आपको अंकित करना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये तो है डॉक्यूमेंट। उसके बाद देखेंगे आवेदन पत्र का प्रारूप इस तरह से रहेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना ज़्यादातर क्योंकि सभी नॉर्मली है। यहाँ पे अनुक्रमांक केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, भर्ती केंद्र का नाम भी ये भी कार्यालय भरेंगे। यहाँ पे फोटो आपको स्टिक कर देनी है, चिपका देनी है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में भरना है, उसके बाद इंग्लिश में भरना है, पिता का नाम हिंदी में, फिर अंग्रेजी में प्लाटून का नाम। उसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है तो प्लाटून जिसके लिए, जिस प्लाटून के लिए कर रहा है। स्थायी पता कहाँ है, पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर लिख दीजिएगा। जन्मतिथि अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में लिखना है। 1/7/2023 से आपके यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। ये 21 का है, यहाँ पर 23 के अनुसार होगी। वर्ष यहाँ पर आप लिखना, माह लिखना, दिन लिखना, ठीक है। अगली बात यहाँ पर देखना है कि नागरिकता कौन सी है। धर्म जाति परीक्षा का नाम यहाँ देख लीजिए, जैसे 10वीं 12वीं, उसके बाद कॉलेज का रहा है तो BA BSc BCOM ये आप डाल सकते हैं। आवेदक का व्यवसाय क्या है, शारीरिक माप यहाँ पर डाल सकते हैं, सीने की माप डाल दें। उसके बाद स्थानीय व्यक्तियों का पता, हमारा पता, वो अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी रखते हों उनकी, लेकिन उनके रिश्ते न हों और चाल चलन के बारे में आपके बारे में जानती हों तो उनका नाम लिख दें, पता लिख दें और दूरभाष नंबर रिश्तेदार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अंतिम शिक्षण संस्थान का नाम और संस्था प्रधान व चरित्र प्रमाण सत्यापन पत्र जहां अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो संलग्न करें। तो यहां पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम जो शिक्षा का शिक्षण संस्थान है वहाँ से आपको लेके आना है। तो इस तरह से यहाँ पे आप ये भी फिल करते हैं कि कौन से श्रेणी से आते हैं आप, EWS से आते हैं, अनुसूचित जाति से, जनजाति से, या फिर आरक्षित अनारक्षित श्रेणी से आते हैं। इस प्रकार से उसे भर देंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेंगे। उसके बाद आपको इसी फॉर्म के साथ आवेदन पत्र में आवेदक की हाल ही में खिंचवाई गई फ़ोटो सौ हस्तांतरित, जो आप फोटो लगानी है उसके नीचे आपको हस्ताक्षर कर रहे हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चस्पा की गई हो, इसके अतिरिक्त दो फोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भर्ती के समय लाना अनिवार्य है। जब भी भर्ती होगी दो फोटो आपको ले जाने हैं। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर स्वतंत्र सेनानी, आरक्षित या भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, पर्वतीय निवास, स्थानीय निवास, EWS संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त की स्वप्रमाणित छायाप्रति
ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले जाएँ। चयन प्रमाण पत्र एवं सरकारी विभाग में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप सरकारी विभाग में भी हैं और जाना चाहते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको प्रदत्त अधिकारी के से करवाने होंगे। बाद में ये एक एडमिट कार्ड है जो कि बाद में आपको डाक द्वारा दिया जाएगा होमगार्ड के हेड ऑफिस से। इस तरह से यहाँ पे ये आपका फॉर्म फिल हो जाता है। जैसे इसकी नवीनतम या फिर करंट नॉलेज आती है या करंट जानकारी आती है तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।